परीक्षाओं के लिए बहुत से विद्यार्थी तैयारी करते हैं, अलग अलग अपने रुचि का या अपनी क्षमता के अनुसार विषय चुनते हैं, उसमें तैयारी भी करते हैं। मैं आपको परीक्षा की जो तकनीक है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि परीक्षा की तकनीक क्या है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। देखिए, UPSC ऐसी संस्था है जो समाज हित के लिए अधिकारियों का चयन करती है। काय के लिए? मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज का हित, कि समाज का प्रशासन किस प्रकार से बढ़िया चाहिए। तो हमें देखना ये कि सारी तैयारी के बीच में कहीं न कहीं हम वो समाज हित की ध्वनि अपने उत्तरों में देते हैं, कि हमारा उत्तर जो है वो समाज के लिए ऐसी अनुकूलता उत्पन्न करता है। कोई भी विषय, विज्ञान का विषय है तो ये विज्ञान जो आपने उसका प्रस्तुत किया है अपने उत्तर में, इस विज्ञान की सोशल वैल्यू क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, अगर इस पर आपने एक लाइन लिख दी तो समझिए आपने, कहते हैं सोने में सुहागा हो, वही उत्तर बहुत अंक देने वाला है। कि ये परीक्षार्थी विषय का बोध तो रखता है और साथ ही ये भी संकेत दे रहा है कि इससे समाज का बहुत बड़ा हित हो सकता है या समाज के लिए ऐसा खतरा हो सकता है, उसके आगाह कर दिया उसने। ये एक पंक्ति में ध्वनित कर देना बहुत मूल्य रखता है। विद्यार्थी आमतौर से नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं कि मैंने जो ज्ञान सीखा तो मैंने उबल दिया, सफेद पत्ते में, सफेद कागज में काली स्याही से उबल दिया, मुझे पूरा ज्ञान है। लेकिन ज्ञान सूखा ज्ञान है, वो शायद 100% सही होने पर भी कहीं न कहीं ध्वनि उसमें आने चाहिए। अब आप कहेंगे कि सामाजिक हित की ध्वनि क्या होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, आपसे प्रश्न पूछेगा रॉकेट के बारे में, आप रॉकेट की पूरी तकनीक लिया, पूरा आपने ज्ञान लिया है रॉकेट के बारे में क्या क्या होता है, और आखिर में अगर आप ये बता दें कि रॉकेट ने समाज का कितना बड़ा हित किया और भविष्य में रॉकेट से क्या क्या हित की और संभावनाएं, एक दो पंक्ति में अगर आपने संकेत दे दिया, आपके प्रश्न में उत्तर में सोने में सुहागा हो गया। वही एक लाइन जो आपने अखीर में लिखी है, आपके नंबरों का प्रतिशत और बढ़ा दीजिए। एक संकेत मैंने बताया कि जो UPSC की मूल अवधारणा है चाटने की, वो सोशली इंटरेस्ट में कहाँ तक फिट है, इस बात पर हमेशा जाए। कोई भी विषय हो, आपका आपका इतिहास हो, आपका साहित्य विषय हो, आपका समाजशास्त्र हो, कोई भी विषय हो, आपको ध्यान ये रखना है कि कंपैक्ट उत्तर में उसको समाज के साथ जोड़ देना है। दूसरी बात ये है कि प्रश्न जिस संदर्भ में पूछा गया है उस संदर्भ को पहचानना, उसी संदर्भ में उत्तर लिखना है। जैसे मैं बताऊं, आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, आप इस पर लिखिए, अगर ये प्रश्न पूछा गया आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, आपको सबसे पहले ये संदर्भ समझना चाहिए कि किन संदर्भों में ये बात उठाई गई, किसने ये बात उठाई और क्यों उठाई, इससे हमारे राष्ट्र का कितना बड़ा हित हुआ। ये सारी चीजें दिमाग में रखकर फिर उन परिस्थितियों का संकेतों द्वारा विवेचन करते हुए, संकेतों द्वारा विवरण करते हुए दो चार ऐसी कठिन परिस्थितियों का संकेत करते कि इसके अनुपालन में कि जन्मसिद्ध अधिकार सिद्ध करने में कितनी कठिनाइयां आई, कितना अंततोगता राष्ट्र का कितना लाभ हुआ, ये सारी चीजें दिमाग में रखकर एक कंपैक्ट निबंध प्रस्तुत कर देना। मैं आपको संकेत ये कर रहा था
कि विषय की प्रकृति और प्रस्तुतिकरण की शैली ये दोनों आपस में मेल खानी चाहिए। प्रस्तुतिकरण की शैली और विषय की प्रकृति, प्रकृति के अनुसार शैली का। तीसरी बात क्या है, आपको निबंध में भाषा का बड़ा ध्यान रखना। भाषा देखिए, निबंध ऐसी चीज है जो लिखने वाले के विषय बोध, ज्ञान की और उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता की परीक्षा है। निबंध में दो चीजों की परीक्षा है। पहली परीक्षा का है कि विषय बोध कि उसे वो विषय आता है या नहीं आता, वो आपके संकेतों में पता चल जाए। दूसरा, आप कैसे लिखते हैं, आपकी भाषा कैसी। देखिए, भाषा इतनी महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपकी भाषा गलत है, पढ़ने में आपकी वर्तनी गलत हो जाती है, आपके शब्द का प्रयोग गलत है, आपकी व्याकरणिक क्षमता नहीं है, व्याकरण के अनुसार आप सही नहीं लिख पाते हैं, तो देश काल के अनुसार भाषा का कौन सा परिनिश्चित रूप, हिंदी का है, अंग्रेजी, किसी भाषा का, भाषा का परिनिश्चित रूप आपको सामने रखना है। क्योंकि आपको सिद्ध करना है कि आप प्रशासन में ऐसी भाषा प्रस्तुत करेंगे जो परिनिश्चित है, समाज में स्वीकार्य है और जो व्याकरणिक विधान के अनुसार अपने पूर्ण रूप में, कहीं पर व्याकरणिक दोष नहीं होना चाहिए। निबंध में सबसे बड़ी क्या कमी क्या है, भाषा दोष। भाषा दोष खटकता है, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। आखिर में क्या है, निबंध का जैसे मैंने कहा कि तीन भाग करने चाहिए। तीन भाग कौन सी, भूमिका जैसे कि आप उस विषय को उन परिस्थितियों से उठाएं जिन परिस्थितियों में विषय का संकेत किया गया है। इसके बाद क्या है, मध्य भाग, निबंध का मध्य भाग में जितने संकेत हैं उनको एक क्रम के अनुसार प्रस्तुत करना। क्रम का निर्धारण बड़ी होशियारी से करना चाहिए। अगर आपके 10 संकेत हैं तो 10 संकेतों को उचित क्रम से प्रस्तुत करना, और इसके बाद जो अंतिम स्वरूप है वह उपसंहार है। निबंध का उपसंहार माने उसको समाप्त कर, उस समापन में आपको आप उससे क्या समझे, आपकी अपनी बुद्धि क्या कह रही, आपकी अपनी समझ क्या कह रही, तो उपसंहार क्या, कंक्लूजन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उपसंहार में आपको अपनी सम्मति। और ऐसा समझिए कि निबंध का निचोड़, अंत तो कहता आप उपसंहार में निबंध का निचोड़ और अपनी सम्मति प्रस्तुत करें। इसलिए उपसंहार का पैराग्राफ, उपसंहार का अनुच्छेद बड़ी सोच समझ के लिखना चाहिए। उस पर आपको सारे निबंध की सफलता निर्भर करती है। परीक्षा के संबंध में एक बड़ी गंभीर बात आपको बताएं, कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम कुछ पंक्तियों को अंडरलाइन कर उनके नीचे, यहाँ कई तो लोग क्या है रंग देते हैं, रंग से पूरी लाइन को जैसे पीला कर दिया, लाल कर दिया। मैं आपको बताऊं अनुभव की बात, आपकी कॉपी को जांचने वाला परीक्षक आपके एक एक अक्षर को पढ़ता है, उसके पास इतना समय होता, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई रंग लगाने की जरूरत नहीं है। परीक्षक की दृष्टि, परीक्षक जल्दी में नहीं होता। प्रतियोगी परीक्षाओं का तो रास्ते में बता दूं, कोई बंधन नहीं होता परीक्षक पर कि कितनी उत्तर पुस्तिकाएं वो देखेगा। अगर उसकी क्षमता दो उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के दो ही काफी, अगर उसकी क्षमता चार पुस्तिकाओं की उतनी ही, इस पर कोई बंधन नहीं है कि वो 50 कापी देखेगा या 60 कापी। हर लाइन को, हर शब्द को परीक्षक देखता। और तीसरी बात और आपको समझा, एक शब्द है मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब जानते क्या होता है, मॉडरेशन माने जैसे मैंने कॉपी जांच ली, मेरा जाता वो कॉपी नहीं है, मेरा दूसरा सहयोगी है वो उस पर दृष्टि डाले, फिर तीसरा सहयोगी उस पर दृष्टि डाले, फाइनली वो तीसरी जगह अप्रूव होगा, इसको मॉडरेशन कहते हैं।
एक एक लाइन एक एक अक्षर जांचा जाता है। ये अवधारणा नहीं कि जल्दी जल्दी में काटने जाती, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस बात को दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि जल्दी जल्दी में काटी जाती है, ऐसा नहीं होता। बहुत गंभीरता से परीक्षक अपने स्वतंत्र ढंग से और अच्छे वातावरण में बैठ कर आपकी उत्तर पुस्तिका भी जा सकता है। इसलिए ये जो नकली ढंग है, इशारे तुलसी ने तीर बना दिया कि भाई इसको देखना, अरे तुम्हें तीर बनाने की कोई जरूरत नहीं, सोच रहे मैंने तीर बना के तीर मारेंगे, तीर बना के तीर नहीं मार सकते। परीक्षक जानता है कि आपका तीर बनाना एक व्यंग है, एक मजाक है, ऐसा नहीं करना। कोई तीर मत बनाओ, कोई फूल मत बनाओ, कोई निशान मत बनाओ, कोई रंग मत लगाओ, कोई अंडरलाइन मत करो, ये सब बेकार की बात है। इनसे आप मुक्त रहें तो आप छवि ज्यादा अच्छी।